हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु कौशिक एंड आई एम हेयर ऑन योर यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु। और हम बात करेंगे इंग्लिश की, और इंग्लिश के उस टॉपिक की जिसके इर्द गिर्द हमारी सारी इंग्लिश ग्रामर घूमती है और जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी स्पीच के हिस्से। जैसे हम कोई बात करें कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को अगर बनाया गया है तो वो 5 तत्वों से मिलकर के बनाया गया है, और वैसे ही अगर किसी भी स्पीच को बनाया जाता है तो उसके भी कुछ हिस्से हुआ करते हैं, और वो टोटल जो हिस्से हुआ करते हैं वो टोटल हुआ करते हैं कितने? 8। और 8 कौन कौन से? तो हुआ करते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रपोजिशन। और इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कैसे समझेंगे कि कौन सा शब्द वाक्य में क्या काम कर रहा है, उसी के लिए हम बात करेंगे। जैसे देखें, हमने एक स्पीच लिखी यहाँ पर, स्पीच यानी कि वाक्य, और वाक्य लिखा गया कि सीता इज प्लेइंग इन द फील्ड, शी इज अ वेरी गुड प्लेयर। अब इस वाक्य में हम देखेंगे कि कौन सा शब्द क्या काम कर रहा है। जैसे कि इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई सा शब्द, सीता कोई हो सकता है, नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, वर्ब हो, यानी कि कोई भी शब्द किसी भी तरह से काम कर सकता है, और उसी चीज को हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच की, और उसका नाम है नाउन। अब नाउन की अगर हम बात करें तो हम जब बचपन से ही एक डेफिनेशन याद करते आ रहे हैं जिसका जो कि है कुछ इस तरह से कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी नाउन जो है वो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहा जाता है। यानी अगर मैं सीधी सीधी सी एक बात देखूं तो नाउन इज डायरेक्टली इक्वल्स टू नेम्स। यानी नाउन जो हुआ करता है वो सीधा सीधा नाम हुआ करता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम या किसी स्थान के नाम को हम संज्ञा कहा करते हैं। जैसे कि हमने देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, और इस सेंटेंस में जितने भी शब्द नाम का काम कर रहे होंगे वो सभी हमारे क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। जैसे कि अगर आप ध्यान दें तो इस सेंटेंस में एक शब्द आया है सीता, और सीता किसी व्यक्ति का नाम है, इसी वजह से सीता जो शब्द होगा वो डेफिनेटली क्या कहलाएगा? तो उसी को हम कह देंगे क्या? नाउन। उसी तरह से आगे देखा तो हमने एक शब्द देखा कि फील्ड, और फील्ड किसी स्थान का नाम हुआ करता है, तो डेफिनेटली वो शब्द भी हो जाएगा क्या आपका? नाउन। उसी प्रकार अगले वाले सेंटेंस में अगर बात करें तो अगले वाले सेंटेंस में एक शब्द आ रहा है प्लेयर, और प्लेयर जो शब्द हुआ करता है वो भी किसी जाति का नाम है, यानी किसी कैटेगरी को बिलोंग करता है, इसीलिए वो भी आपका क्या कहलाएगा? तो वो भी कहलाएगा आपका नाउन। यानी कि नाउन क्या हुआ? तो जितने भी नाम होंगे दुनिया भर के वो सभी आपके किस में आ जाएंगे? नाउन में आ जाया करते हैं। वैसे अगली बात करें और अगला शब्द आया हमारा क्या? प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन क्या हुआ करता है? तो प्रोनाउन की अगर बात करें तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सभी शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर कैसे? तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर हम दो सेंटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये चीज हमें जाननी चाहिए कि जब जब एक वाक्य खत्म होता है तो वहां पर हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। जैसे एक वाक्य यहां पर खत्म हुआ और दूसरा वाक्य यहां पर खत्म हुआ, तो अगर हमने सेंटेंस पढ़ करके देखा कि सीता इज प्लेइंग इन द फील्ड, कि सीता जो है वो फील्ड में खेल रही है, और अगले सेंटेंस में आया शी इज अ वेरी गुड प्लेयर, तो अगर आप ये जानने की कोशिश करें कि शी इज अ वेरी गुड प्लेयर, यानी कि वेरी गुड प्लेयर है कौन, तो वेरी गुड प्लेयर कौन है, यानी कि अगर कोई जवाब पूछे तो वहां पर जवाब आएगा क्या? सीता। तो सीता ही वेरी गुड प्लेयर क्यों है, और हमें कैसे पता चला कि सीता वेरी गुड प्लेयर है? क्योंकि दूसरे वाले वाक्य में कहीं भी सीता शब्द का जिक्र नहीं हुआ। अब जब दूसरे वाले वाक्य में सीता शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ तो दैट मींस कि उसकी जगह पर कोई और शब्द जरूर आया होगा। तो अगर हम सेंटेंस को पढ़ करके देखें तो सीता की जगह पर एक शब्द आया है, और वो शब्द क्या है? शी। यानी कि शी जो शब्द है वो किसके स्थान पर इस्तेमाल किया गया है? सीता के स्थान पर। और चूंकि सीता के स्थान पर इस्तेमाल किया गया, और सीता जो शब्द है वो हमारा क्या बनता है? नाउन होता है, तो डेफिनेटली नाउन के पर ये शब्द आया है, और इसी वजह से ये जो शब्द शी है यही आपका कहलाएगा क्या? प्रोनाउन। यानी कि शी जो शब्द है वो आपका बन जाता है क्या? प्रोनाउन। यानी कि नाउन के स्थान पर वाक्य में कहीं भी कोई भी सेंटेंस में शब्द आया करता है तो वही आपका क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। बात करते हैं देखिए अगले शब्द, और अगला शब्द है हमारा एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव क्या हुआ करता है? तो जैसे अगर जनरली बात करें तो जो भी शब्द हमारे पास विशेषता बताने के काम करते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल 2 शब्द हैं जो कि विशेषता बताने का काम करते हैं, जिनमें से एक शब्द हुआ करता है एडजेक्टिव और दूसरा शब्द हुआ करता है एडवर्ब। यानी कि ये 2 शब्द ऐसे हैं जो कि विशेषता बताने का काम करते हैं, लेकिन एडजेक्टिव जो है वो अलग शब्दों की विशेषता बताता है, और एडवर्ब जो है वो अलग शब्दों की विशेषता बताता है। तो किस शब्द की विशेषता एडजेक्टिव बताया करता है और किसकी विशेषता बताया करता है एडवर्ब? बात करते हैं पहले एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव जब भी क्वालिफाई करेगा यानी विशेषता बताएगा, तो या तो वो विशेषता बताया करता है नाउन की, या फिर वो विशेषता बताया करता है प्रोनाउन की। यानी कि वे सभी शब्द जो नाउन तथा प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं वे आपके कहलाते हैं क्या? एडजेक्टिव कहलाते हैं। ऑल दोज वर्ड्स व्हिच क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन आर नोन एज एन एडजेक्टिव। कैसे कैसे? तो क्वालिफाई करने की अगर हम बात करें तो पहले सेंटेंस में कहीं भी कोई क्वालिफाई करने का काम नहीं हो रहा, यानी कि पहले वाले सेंटेंस में कोई भी शब्द किसी की विशेषता नहीं बता रहा है। यहां पर काम हो रहा है किसका? तो खेलने का काम हो रहा है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें दूसरे सेंटेंस की, तो उसमें आया शी इज अ वेरी गुड प्लेयर, तो यहां पर एक शब्द है जो कि विशेषता बता रहा है, और कौन
कौन विशेषता बता रहा है, तो विशेषता बताने का काम कर रहा है कौन सा शब्द आपका, तो गुड। तो गुड जो शब्द है वो विशेषता बता रहा है, लेकिन किसकी विशेषता बता रहा है? तो अगर आप ध्यान दें तो गुड जो शब्द है वो विशेषता बता रहा है किसकी, इसी शब्द प्लेयर की, और प्लेयर जो शब्द है वो आपका है क्या, नाउन। यानी कि जो गुड शब्द है वो नाउन की विशेषता बता रहा है। और डेफिनेटली अभी अभी हमने बात बताई कि जो शब्द नाउन की विशेषता बताता है वही आपका क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाया करता है। यानी कि डेफिनेटली ये जो शब्द गुड हो गया ये आपका क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। यानी एडजेक्टिव कहलाएगा क्योंकि किसकी विशेषता बताई इसने, तो इसने विशेषता बताई प्लेयर की। और अगर इनडायरेक्टली हम बात करें तो ये शब्द विशेषता किसकी बता रहा है, तो ये विशेषता बता रहा है शी की, और शी जो शब्द है वो आपका कहलाता है क्या, प्रोनाउन कहलाता है। यानी कि शब्द किस किसकी विशेषता बता रहा है, तो एक तो प्रोनाउन शी की विशेषता बता रहा है, और बता रहा है विशेषता नाउन जो कि है आपका प्लेयर। तो चाहे ये प्लेयर की विशेषता बता रहा है चाहे शी की विशेषता बता रहा है, दोनों ही बार ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। यानी कि हर वो शब्द जो नाउन तथा प्रोनाउन को क्वालिफाई किया करता है आपका क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाया करता है। क्लियर। अगली बात देखते हैं, तो अगला शब्द हमने देखा, तो अगला देखा कि शब्द आया वर्ब। अब देखिए अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं, तो अगर इंग्लिश में कोई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है विच इज वर्ब। और क्यों है इतना इंपॉर्टेंट, तो अगर हम जानने की कोशिश करें कि वर्ब इतना इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एक वाक्य में कम से कम दो चीज़ें हुआ करती हैं। और कौन कौन सी होती हैं वो दो चीज़ें, तो एक हुआ करती है आपके सब्जेक्ट, और दूसरा हुआ करता है प्रेडिकेट। तो देखिए दो चीज़ें हुआ करती हैं जिसमें से एक का नाम है सब्जेक्ट और दूसरा हुआ करता है क्या, प्रेडिकेट। लेकिन अगर हमने सेंटेंस में देखा तो भाई सब्जेक्ट तो एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन प्रेडिकेट जो है वो बहुत ही बड़ा हो जा रहा है। जैसे हमने इस सेंटेंस की बात करें तो सीता इज प्लेइंग इन द फील्ड, इसमें सीता जो शब्द है वही आपका काम कर रहा है किसका, तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यानी कि बाकी का सभी जो बचा वो आपका क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। और प्रेडिकेट हमने देखा तो सीता जो है वो तो एक छोटा सा पोर्शन है, लेकिन इज प्लेइंग इन द फील्ड जो है वो एक बहुत बड़ा पोर्शन है। इसीलिए हमने इसको क्या किया, तो हमने इसको सब डिवाइड कर लिया, यानी कि प्रेडिकेट को हमने दो और पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, जिसमें से एक का नाम हो गया वर्ब और एक को कह दिया जाता है ऑब्जेक्ट। तो यानी कि दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया, यानी कि सेंटेंस में जो इंपॉर्टेंट पार्ट बने वो हमारे कितने बने, तो वो तीन पार्ट बने, जिनमें से एक बना सब्जेक्ट, दूसरा बना वर्ब, और तीसरा बनता है आपका ऑब्जेक्ट। अब ये चीज़ हम कैसे पहचानेंगे कि वाक्य में सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इज़ इट पॉसिबल टू मेक अ सेंटेंस विदाउट एनी सब्जेक्ट, कि क्या ये संभव है कि कोई सेंटेंस बना दिया जाए और उसमें सब्जेक्ट ही ना हो। अब हम बात किसकी बताने जा रहे हैं, तो हम बात बताने जा रहे हैं कि वर्ब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले बात की कि इज़ इट पॉसिबल टू मेक अ सेंटेंस विदाउट एनी सब्जेक्ट, कि क्या सब्जेक्ट के बिना कोई वाक्य बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कोई वाक्य बिना सब्जेक्ट के बनाया जा सकता है। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, हमने सेंटेंस लिखा ओपन द डोर। अब यहाँ पर हमने देखा सेंटेंस लिखा है ओपन द डोर, और इस सेंटेंस में मात्र तीन शब्द आए हैं जिनमें से एक शब्द है ओपन और एक है द डोर। अब यहाँ पर कौन सा शब्द किस चीज़ का काम कर रहा है, तो जरा ध्यान दें कि यहाँ पर ये जो शब्द ओपन है, तो ओपन यानी कि काम हो रहा है कोई, और ये काम करेगा किसका, डेफिनेटली ओपन जो शब्द है वो काम करेगा किसका, वर्ब का काम करेगा। यानी कि ये सेंटेंस जो है वो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव यानी कि आज्ञा सूचक, यानी किसी को कोई ऑर्डर या फिर निर्देश दिया जा रहा है कि ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलिए। लेकिन अगर हम बात करें अगले शब्द की, तो ये जो द डोर जो शब्द है वो काम कर रहा है डेफिनेटली किसका, ऑब्जेक्ट का। यानी कि इस वाक्य में अगर हम ध्यान से देखें तो इस वाक्य में वर्ब भी आई है और इस वाक्य में ऑब्जेक्ट भी आया है, लेकिन अगर बात देखें तो इस वाक्य में कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं किया गया है। यानी कि बिना सब्जेक्ट के कोई वाक्य बनाया जा सकता है, जो कि हमने बना करके दिखाया ओपन द डोर। यानी मोस्टली जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंसेज हुआ करते हैं वो सभी लगभग बिना सब्जेक्ट के बन जाया करते हैं। तो हमने देखा जैसे यहाँ पर इसमें कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया, वैसे ही हमने एक और सेंटेंस लिखा, और अब की बार क्वेश्चन पूछा गया कि इज इट पॉसिबल टू मेक अ सेंटेंस विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। यानी पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्या भैया ऐसा कोई संभव है कि सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, या फिर वही दूसरी बात पूछी गई कि क्या ऐसा संभव है कि बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस बनाया जा सकता हो। तो बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस हमने बना करके देखा और सेंटेंस बन गया, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं कि क्या ये संभव है कि बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस बनाया जा सकता हो। तो जरा देखते हैं, सेंटेंस बनाया हमने और सेंटेंस हमने लिखा ही डाइड। तो सेंटेंस लिखा गया ही डाइड। अब ही डाइड जो सेंटेंस है उसमें हमने देखा कि शब्द ही मात्र दो आए हैं, एक शब्द आया है ही और दूसरा शब्द आया है डाइड। तो डेफिनेटली यानी कि ये जो हमने ऊपर लिखे हैं ये तीन चीजें हैं, एक है सब्जेक्ट, एक है वर्ब और एक है ऑब्जेक्ट, लेकिन नीचे जो शब्द आए हैं वो मात्र दो हैं। यानी कि डेफिनेटली कोई ना कोई सा एक शब्द मिसिंग है, यानी या तो सब्जेक्ट मिसिंग है या वर्ब मिसिंग है या फिर आपका ऑब्जेक्ट मिसिंग है। तो जरा चेक कर लेते हैं कि कौन सा शब्द इसमें नहीं आया है। तो सबसे पहला शब्द आया गया यहाँ पर क्या, ही। और ही जो शब्द होगा वो क्या काम कर रहा है, तो अगर हम
देखें ध्यान से कि यहाँ पर काम करने वाला व्यक्ति कौन है, यानी कि कर्ता का काम कौन कर रहा है, तो कर्ता का काम करने वाला शब्द यही है, कौन सा, ही, यानी कि यहाँ पर ही जो शब्द है वो काम कर रहा है किसका, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और यहाँ पर जो मेन काम हो रहा है वो काम क्या हो रहा है, तो काम जैसे डाइड यानी मरने का जो काम हो रहा है, और यही जो काम है यही आपका कहलाएगा क्या, वर्ब। यानी कि इस सेंटेंस की अगर बात करें तो इस सेंटेंस में सिर्फ दो शब्द आए जिनमें से एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है और दूसरा वर्ब का काम कर रहा है, यानी कि इस वाक्य में कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट आपका प्रयोग नहीं किया गया है। यानी कि जो हमने पहला सवाल पूछा था कि इज इट पॉसिबल टू मेक अ सेंटेंस विदाउट एनी सब्जेक्ट, बात वो भी सही, हमारी सही सिद्ध हो गई, यानी कि पहला जो सेंटेंस हमने बनाया उसमें कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। वहीं पर हमने दूसरा सवाल पूछा कि इज इट पॉसिबल टू मेक अ सेंटेंस विदाउट एनी वर्ब, तो हमने वही दूसरा सेंटेंस देखा विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, तो वही हमने दूसरा सेंटेंस देखा, उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं था और वो सेंटेंस भी हमारा सही है। लेकिन अब बात आती है तीसरी, और तीसरी बात यह है कि इज इट पॉसिबल टू मेक अ सेंटेंस विदाउट एनी वर्ब, कि क्या ये संभव है कि कोई सेंटेंस ऐसा बनाया जा सकता हो जिसमें वर्ब का ही प्रयोग ना किया गया हो, यानी कि कोई सेंटेंस क्या ये संभव है कि वर्ब के बिना सेंटेंस बना दिया जाए। तो चलिए बना करके देखते हैं। अगर हम इंग्लिश के सबसे छोटे से छोटे सेंटेंस की बात करें तो इंग्लिश में सबसे छोटा सेंटेंस कहलाता है आई एम, और सबसे छोटा सेंटेंस जो है वो आई एम हुआ करता है। और इस सेंटेंस में भी अगर आप देखें तो जो एम जो शब्द आया है वो आपका काम कर रहा है किसका, वर्ब का, यानी कि आप अगर चाहें तो बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बना सकते हैं, आप अगर चाहें तो बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन ये कभी भी संभव नहीं हो सकता कि आप कोई सेंटेंस बनाएं और सेंटेंस में वर्ब ही ना हो। अगर आप छोटे से छोटा भी कोई सेंटेंस बनाते हैं तो डेफिनेटली उसमें आपको वर्ब लिखनी ही होगी, यानी कि अगर कहीं पर कोई क्रिया ही नहीं हो रही होगी तो वहां पर वाक्य की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती। इसी वजह से हमने बताया कि अगर इस ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है तो विच इज वो। तो अब जैसे हमने सेंटेंस देखा तो हमारे सेंटेंस में भी वर्ब का प्रयोग किया गया है कहां कहां पर, तो हमने देखा कि इज और प्लेइंग इस वाक्य में काम कर रहे हैं किसका, वर्ब का। वैसे हमने दूसरा सेंटेंस देखा तो वहां पर भी शब्द आया है क्या, इज, और वो भी काम कर रहा है किसका, वर्ब का काम कर रहा है। यानी कि हमने देखा अभी तक हमने चार शब्दों की बात की, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, ठीक है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, थोड़ा पॉज करो। अभी तक हमने बात की सिर्फ चार पार्ट्स ऑफ स्पीच की, यानी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, और इसके आगे की जो बात चार पार्ट्स ऑफ स्पीच की वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।